हाँ जी, काशिफ अपने असली रूप में आ गए हैं और पकाना शुरू कर दिया ये क्या पराठा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं तकरीबन, और एक बहुत ज़रूरी काम के साथ हम लोग जा रहे हैं। जिस जगह जा रहे हैं उस जगह का भी विज़िट आप लोगों से करवाऊँगी इंशाल्लाह। वीडियो में जुड़े रहिएगा, चैनल पे मेरे जो न्यू है ना, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तेज़ बोलो, गाड़ी के शोर की वजह से आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे, उसके बाद आपको एक जगह का विजिट कराऊंगी। आप लोगों ने वीडियो ज़रूर वॉच करनी है और फिर कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना है, ठीक है जी? तो चले वीडियो में जी, आप ही बोलो, बोलो सलाम करो, बोलो बोलो ना, बोलो ना। चेकिंग के लिए आई हूँ आज मैं जी। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? जी, तो ये काशिफ की कैंटीन है जहाँ पे काशिफ जॉब करते हैं। जॉब मतलब कैंटीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल है महरमा लोगों का ही, और महरमा के स्कूल के साथ साथ ही हुरैन ने मार्शमेलो की तबाही मचाई हुई है। अब पूरा डब्बा फिनिश हो जाएगा। दिखाओ क्या लिया आपने। ये जगह थी जो मैंने आपको दिखानी थी, और ये कैंटीन है। यहाँ काशिफ सुबह के टाइम पे काम करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से जाते हैं डेंटी फास्ट फूड, वहाँ पे जॉब करते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है। यहाँ अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की ख्वाहिश थी, इस वजह से डबल ड्यूटी काशिफ करते हैं। मैं खोल के दूँ आपको। हुरैन, हुरैन ने तबाही मचाई हुई है चीज़ों की, चिप्स पापड़ वगैरह सारी चीज़ें बारी बारी अब टेस्ट करेगी। आ गई है तो, और ये टीनों का बना हुआ है। यहाँ पे देखिए चादरें लगी हुई हैं, और बड़ा तपता है गर्मी में जब यहाँ चूल्हा चूल्हा जलता है। ये खोल दूँ और क्या खाना है? क्या खाना है? चिप्स खाने? बाकी बच्चों के लिए छोड़ दो। नहीं नहीं, लॉलीपॉप नहीं लेना, ये वाला लेना। ये रख दूँ वापस? ये भी लेना है? कहाँ से उठाया था? यहाँ से उठाया था। अच्छा, सही है, ठीक है। बस बस पहले ये चीज़ फिनिश करो। लॉक खोल दूँ? जी, तो बच्चों की असेंबली हो रही है इस वक्त। सारे बच्चे यहाँ लाइन में जमा हुए हैं। असेंबली हो रही है बाहर इस वक्त, और सारे बच्चे लाइन बना के खड़े हैं। इनको देख के हमें अपने स्कूल का वक्त याद आ गया, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे और सुबह सुबह असेंबली होती थी। जी, तो अभी आपने देखा कि तराना, कौमी तराना जो हमारे स्कूलों में होता था वो पढ़ा जा रहा था। हाँ जी, काशिफ अपने असली रूप में आ गए हैं और पकाना शुरू कर दिया। ये क्या पराठा बन रहा है? ये रेडी टू कुक पराठे ला के रखे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। साजो सामान पूरा रखा हुआ अपना है। हाँ ये तो है, बड़ा ही तपता है वैसे, ये गर्म होता है। हिम्मत है आपकी कि कैसे काम करते हैं यहाँ पे। आगे सख्त गर्मियों में तो बिल्कुल यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जाता है ना। और इसी स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल में, है ना? तो इन्हीं की खातिर ये स्ट्रगल कर रहे हैं। काशिफ साहब भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। बस देखें अल्लाह ताला हमें कामयाब करे इस चीज़ में। यहाँ पराठा हमारा बन रहा है। इसका बहुत VIP स्कूल है जिसमें माशाल्लाह हमने अपने बच्चों को डालने का ख्वाब देखा था, और आज वो ख्वाब अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरा कर रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं अब हुरैन भी इसी स्कूल में इंशाल्लाह से।
आएगी, एडमिशन लेगी इसी साल या नेक्स्ट ईयर लेगी ना, अगले साल इंशाल्लाह हुरैन बीएनपी पढ़ेगी। वो बैठी है नहीं गिरती आप, वीआईपी नाश्ता बन रहा है आज हमारे लिए, बन रहा है कैंटीन वालों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए मालूम ही है क्यों भाई ना करे हैं। कहाँ जाना है? क्लास में जाना है। हुरैन कह रही है मैंने क्लास में जाना है। किसकी क्लास में जाना है? हैं? अपनी क्लास में? हानिया करते। अच्छा हानिया की क्लास में। हानिया की क्लास में टीचर नहीं जाने देती ना ऐसे बेटे। बच्चे पानी पीने आए हैं। गेम चल रही है इनकी यहाँ पे क्रिकेट की। हुरैन आपको मजा आ रहा है कूल में? हैं? कूल में मजा आ रहा है? जाली खानी है? हाँ। शेफ साहब अब क्या बन रहा है? चने बन रहे हैं, चने और समोसा चाट। यहाँ काशिफ ने सारी चीज़ें रेडी कर दी हैं। ये क्या बन रहा है? पराठा रोल। ये पराठा रोल बन रहा है। यहाँ बर्गर तैयार कर लिए हैं वो आज ही, वो प्रोफेशनल बर्गर। हुरैन यहाँ पे खेल रही है और यहाँ पे बच्चों की पीई हो रही है। पीई वो देखिए जी, शाबाश है, कलबाजियाँ खा रहे हैं। पी सिखाते हैं इनको। हुरैन आगे नहीं जाना। और ये इनका ब्यूटीफुल सा स्कूल है, बहुत ही खूबसूरत स्कूल है माशाल्लाह। स्कूल में माली ने माशाल्लाह से सब्जियां भी उगाई हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से सब्जियां। ये देखिए बैंगन लगे हुए हैं, मिर्चें लगी हुई हैं, मिर्चों का पौधा है, और ये टमाटर लगे हुए हैं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अच्छा जी, घर की सब्जी हो जी, वहाँ आगे भी कुछ लगा हुआ है, तोरी है कि कद्दू है, नज़र नहीं आ रहा, दूर लगा हुआ है। ज़बरदस्त, हुरैन को यहाँ पे झूले मिल गए हैं। क्या कर रही हो आप? स्लाइड ले रही हो? आराम से लेना, गिरना नहीं, ठीक है। प्लेइंग एरिया भी बहुत प्यारा बना हुआ है, छोटा सा चुन्नू सा। ये इनका स्कूल है माशाल्लाह, जबरदस्त। हेलो, आईसीएस स्कूल का नाम ICS है, इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल। माशाल्लाह से इस्लामाबाद कॉन्वेंट स्कूल में ICS में पढ़ती हैं, और इस्लामाबाद का समझ में बहुत ही ज़बरदस्त हाईएस्ट स्कूल है, वो ज़बरदस्त स्कूल है। यहाँ की एजुकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। हुरैन कहाँ गई? ये देखें गाइस, घूमने वाला झूला। पिंक पे बैठना आपने है? इतनी क्यूट सी छोटी सी हुरैन के साइज़ की, बैठ जाओ, इतनी क्यूट है ना, छोटे बेबीज के लिए हैं ये। हाँ जी, सही काम अच्छा किया आपने, चेक के रखा है। आपको दिखाती हूँ, ये देखे माशाल्लाह से समोसा चाट बनाई है काशिफ साहब ने।
ये भी खुद बनाए हैं, समोसे रेडीमेड थे, सिर्फ तले हैं। ये बर्गर हैं, ये पराठा रोल हैं, समोसा चाट है। तो ये जी आज का मेन्यू है इनका। कहाँ से लिया ये आपने, हैं? यहाँ से लिया आपने, खुद ही उठा लिया है, गर्मी लगी हुई थी। ये बैठे हैं जी काशिफ साहब, थक हार के काम करके। अभी ब्रेक हो जाएगी थोड़ी देर में, फिर यहाँ ऐसा रश होता है कि यहाँ तो बिल्कुल बच्चे लड़ रहे होते हैं एक दूसरे से। कैसे हो? जी तो अभी इस वक्त काशिफ चले गए हैं कैंटीन से फारिग होके। बच्चों की सारी असेंबली वगैरह सब हो गई थी, सारा कुछ उनको लेन देन करके चले गए, मुझे कैंटीन छोड़ के गए। कहते हैं अब जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि ये चीज़ें और ये सारी, तो कहते हैं कि ये तुम देख लेना। कैंटीन पे मुझे बिठा के गए हैं, हुरैन को भी बिठा के गए हैं और किसी काम से गए हैं, वापस आएंगे उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो कैंटीन आप लोगों को काशिफ की कैसी लगी आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पे काशिफ काम करते हैं वो यकीन करें बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्मी हो रही है, यहाँ पर तप रहा है बिल्कुल, ऊपर टीन का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो काम करना बहुत मुश्किल। अभी तो खैर मौसम फिर भी ठीक है, लेकिन आगे आने वाली गर्मियाँ बहुत ज़्यादा सख्त होंगी। उनकी हिम्मत है बेचारों की कि वो यहाँ पर काम करते हैं, तो लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत करनी चाहिए इंसान को, तो वही वाला सीन है। आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा है। ठीक है जी, आप क्या कर रही हो? हैं, हुरैन ने इतनी ज़्यादा टॉफियाँ जैलियाँ सब कुछ खाया है ना, मंड के खाया है सही रच के। ये देखिए जी गाइस, छोटे बच्चों की छुट्टी हो रही है, जो प्रेप के जी नर्सरी वाले बच्चे हैं लाइन बना के खड़े हुए हैं। गाइस हुरैन को स्कूल की बच्चियों ने घेर लिया है और वो देखे सारी बच्चियों पकड़ के लेके गई हैं खेलने के लिए। हुरैन उन्हें इतनी अच्छी लगी है, अब हुरैन वापस आ रही है। मेहर आनिया आ गई, आनिया की छुट्टी हो गई, आनिया के पास आ गई है जी। तो गाइस मुझे लगी थी सख्त भूख, मैंने इसी में से समोसा चाट उठा ली है। काशिफ साहब, राणा साहब जो जो देख रहे हैं, इसके पैसे मैं भर दूँगी आपको बाद में। तो जी 150 रुपये की प्लेट है, राणा साहब काशिफ साहब मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा ये चीज़ बता देना, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को पेमेंट कर दूंगी, आप लोगों की एक समोसा चाट में खा रही हूँ। ठीक है जी, मैंने कहा मैं बता दूँगा, पूछना पूछना फर्ज है, बेशक दुकान अपनी है लेकिन फिर भी हिसाब किताब हिसाब किताब होता है। कैसी है? बहुत मज़े की है, ज़बरदस्त। एक तो फ्रेश है, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा खुद बनाते हैं, चीज़ें डालते हैं उसमें। आपके बाबा पास हो गए हैं। बन कर तू। हानिया जानी छुट्टी हो गई है, अब मेहरमा की बारी है, मेहरमा का वेट करेंगे। उसको 10 घंटे बाद होगी। 10 घंटे बाद होगी। हाँ, से बहुत देर से होती है। हाँ, उसको आधा घंटा लेट होती है ना, आधा घंटा लेट होती है ना, घंटा पूरा लेट होती है। 1 बजे उसको छुट्टी होती है। तो जी यहाँ पे चिड़िया नाइया नाइया कर रही हैं पानी के अंदर। मैं एक चीज़ दिखा। और ये हानिया ने क्या बनाया है, जूम किया है, आई लव यू टू मामा लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब पीछे करो, पीछे करो तो नज़र आए ना क्या बनाया है। पेंटिंग है, अच्छी पेंटिंग है। तो गाइस मैंने इससे मम्मा के लिए बनाया था वो कार्ड और ये आइसक्रीम, पॉप्सिकल आइसक्रीम। जेली चाहिए? हमारे पास नहीं होती जेली, नहीं होती हमारे पास जेली नहीं होती। बोलो बेटा। जी
जी तो अभी अभी घर पहुंचे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अभी कपड़े चेंज करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे शाम तक, उसके बाद फिर व्लॉग अगर आज अपलोड कर दिया नहीं तो कल इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी अपलोड। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा, नए व्लॉग के साथ फिर से हाजिर होंगे। अभी बैटरी डाउन हुई भी है, सुबह 7 बजे के उठ के गए हैं, बोला भी नहीं जा रहा। और आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों ने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अच्छे से व्लॉग के साथ हाजिर होंगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।